हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सर आपका लॉकडाउन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 के बारे में, अर्थात मैथ के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारे प्रश्नावली 7 के बारे में देख रहे थे हम। ठीक है, प्रश्नावली 7 के बारे में देख रहे थे। नाम था जिसका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण था, जिसके अंतर्गत हमने 8 क्वेश्चन देख लिए थे। 8 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 9वें क्वेश्चन से देखेंगे, अर्थात 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। 9 नंबर है हमारे पास में, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 sec थीटा। मतलब देखना है इसके अंतर्गत सिद्ध देखना है इसके अंतर्गत। ये तो हो गया हमारे पास में LHS का मान, ये हो गया RHS का मान। ठीक है, सिद्ध करना है LHS इक्वल RHS। ठीक है, देखते हैं LHS सेल करते हैं। पहले LHS साइड को ले लेते हैं, LHS साइड को लेते हैं। LHS के अंतर्गत देखना है हमारे को लघुतम लेना है। पहले क्या लेना है? लघुतम। लघुतम के अंतर्गत देखो ऐसा होता है, नीचे वाली संख्या को गुणा करवाना है, नीचे वाली संख्या को गुणा करवाना है। ठीक है, नीचे के एक तो नीचे इसमें क्या कोस और एक क्या 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाली संख्या आपस में क्या होगी? गुणा होगी। अब वज्र गुणा करवाना है, इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, मतलब है इसको इससे न गुणा करा रहे, मतलब है क्या हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखना है एक बार मतलब गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? प्लस कोस को कोस से न गुणा करवाना है, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हमने क्या, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखा था, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, हल करते हैं इसको a + b² के सूत्र से, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखते हैं a, एक का मान क्या हमारे पास में? एक है, मतलब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस b, b का मान क्या है? साइन का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 की जगह लिख दिया 2 into a, एक का मान क्या है? 1 into b, b का मान क्या है? साइन है, मतलब देगा क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा लिख दिया ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखना है इसकी जगह पर, लिख सकते हैं हम ये चीज। ठीक है, लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखना है इसकी जगह पर, अर्थात इसकी जगह पर तो मान ने लिख दिया, आगे क्या है? कोस स्क्वायर को ऐसा कैसे लिख दिया, नीचे वाली संख्या को भी ऐसा कैसे लिख दिया। देखते हैं बाकी इसके अंतर्गत, एक तो क्या है? साइन स्क्वायर है। ठीक है, प्लस
आगे किया है, ठीक है, cos स्क्वायर लिख दिया। अब देखते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है, मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितने, एक लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख दिया कितना, एक प्लस आगे आगे कितना है, एक प्लस लास्ट में क्या है, दो साइन थीटा, नीचे वाली संख्या को भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक एक हो गया कितना, दो, एक एक हो गया कितना, दो प्लस दो साइन थीटा अपॉन कोस वन प्लस साइन थीटा लिख दिया। अब देखना है दो है, दो है इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा दो, कॉमन ले लिया दो, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, वन बच गया प्लस आगे क्या बच गया साइन थीटा, नीचे वाले को ऐसा कर लिस्टा लिख दिया कोस वन प्लस साइन थीटा लिख दिया। और देखना है इससे कट गया ये, इससे कट गया ये। अब देखना है ऊपर तो ना बच गया क्या दो, नीचे बच रहा है क्या कोस लिख दिया। अब देखना है दो इंटू वन अपॉन कोस लिख सकते हैं, ठीक है, दो की जगह लिख दिया क्या दो। अब देखते हैं एक अपॉन कोस मान होता है किसका, शेक का, मतलब है शेक का विपरीत होता है, मान क्या आ गया हमारे पास में दो शेक थीटा, और ये मान ही हमारे को क्या करना है सिद्ध करना है, मतलब है LHS इक्वल RHS आ रहा है, ठीक है, इस आधार से हमारे को प्रश्न को सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दसवां क्वेश्चन की, देखते हैं दसवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखते हैं साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना लाना है, एक लाना है। अब की बार क्या करना है, आरएचएस का, सॉरी एलएचएस का मान इक्वल आरएचएस का मान, मतलब इसका मान इक्वल होना चाहिए एक के बराबर। अब देखते हैं साइन की घात कितनी है, 4 है, तो हम इसको हमें लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे क्या माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखना है ऐसा ने लिखा हमने, ठीक है, मतलब ऐसा लिखा है इसको साइन की घात कितनी थी, 4 थी, इसको हमने ऐसा लिख दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब याद रखना है घात पे घात होती है, घात पे घात होती है, घातें आपस में गुणा हो जाती है। अब देखना है घात के ऊपर क्या है, घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, मतलब साइन की घात 4 आ जाएगी वापस, ठीक है। अब देखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो इसको मान लेते हैं क्या, ए मान लिया, माना कि ए का मान है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस इसको मान लिया क्या बी, बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लिखा था मैंने इसका ए माइनस बी ए प्लस का बी, लिखवाया था ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, मान रखना है ए, ए का मान हमने माना क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी, बी का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना है ए पर भी क्या है स्क्वायर है, ए पर भी क्या है स्क्वायर और बी पर भी क्या है स्क्वायर है, ऐसा कैसा बन रहा है, ठीक है, हाँ मान रखना है। अब देखना है आगे आगे तो क्या लिखा है, ए, ए का मान क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या है माइनस बी,
बी का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। वापस से लिखना है, ए का मान लिख दिया साइन स्क्वायर और बी का मान लिख दिया कोस स्क्वायर। नीचे क्या है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और इसे ये आपस में ठीक है कैंसिल हो जाएगी। बच्चा क्या अब ऊपर बच रहा है क्या, ठीक है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। और हम जानती इसका मान कितना होता है, एक होता है अर्थात इसका मान कितना होता है एक होता है, एक आ रहा है मतलब इसका मान भी कितना लाना था एक ही लाना था। अतः एल एच एस इक्वल आर एच एस मतलब एल एच एस का मान आर एच एस के मान के इक्वल आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है इस आधार से इसको सिद्ध करना है, ठीक है नोट कर लीजिए ठीक है। हाँ अब आगे बात करते हैं 11 नंबर की, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं ठीक है देखते हैं। 11 नंबर है हमारे पास में, कोट माइनस टेन बराबर वन माइनस दो साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है मतलब इसको इक्वल करना है इसके बराबर मतलब एल एच एस इक्वल आर एच एस लाना है हमारे को, ठीक है एल एच एस हल करते हैं। मैंने मैंने फॉर्मूले लिखे थे दो याद शायद, ठीक है देखना है ठीक। टेन का मान तो लिखाया था क्या साइन अपॉन कोस लिखाया था, ठीक है हाँ। टेन का विपरीत क्या होता है, टेन का विपरीत होता है क्या कोट हो गया। अब देखना है विपरीत इसका भी हो जाएगा मतलब कोस अपॉन साइन, ठीक है ये लिखे थे मैंने ठीक है हाँ। मान नहीं रखना ठीक है, कोट का मान, कोट का मान लिख दिया हमने कितना लिख दिया कोस अपॉन साइन लिख दिया, आगे क्या है माइनस माइनस लगा दिया माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया ठीक है। अब देखना है ठीक, अब लिख दिया टेन का मान, टेन का मान क्या है हमारे पास साइन अपॉन कोस लिख दिया, लिख दिया दोनों का मान। लघुतम लेना, लघुतम के अंदर नीचे वाली संख्या को गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को गुणा करना है मतलब साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना है वज्र गुणा करना है इसको इससे और इसको इससे, ठीक है कोस को हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर माइनस साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया वज्र गुणा हो गया। हाँ अब आगे देखना है एक सरल समीकरण लिखी थी मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है एक होता है, ठीक है यदि साइन स्क्वायर इधर से इधर आती किस में जाएगा माइनस में जाएगा और बच गया क्या इधर कोस स्क्वायर बच गया, कोस स्क्वायर का मान रख सकते हैं पिता वन माइनस साइन स्क्वायर रख सकते इसका मान ये रख दिया आगे क्या माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में क्या है ठीक है साइन और कोस, ठीक है। अब देखना है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है मतलब जोड़ना है इनको, ठीक है ठीक है वन की जगह रख दिया वन माइनस एक साइन मतलब कितने हो गए दो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है साइन और कोस। और देखना है ये मानिए हमारे को निकालना था मतलब एल एच एस मतलब एल एच एस इक्वल आर एच एस आ रहा है, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ रहा है। अब देखते इसके अंतर्गत
ज्यादा कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, केवल हमारे को याद रखने की है। मेन मेन फॉर्मूले लिखे थे मैंने, वो याद रखने, वो याद है, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर की बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 इक्वल है क्या ना, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना है इसको घात के रूप में तोड़ना है, मतलब है कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। एलएचएस को एन लिखना है, ठीक है, आरएचएस तो हमारे को निकालना है, इस आधार से हमने लिख लिया। अब देखने इसमें नई बात है वो ऐसी है, इसके अंतर्गत मतलब है एल एच एस में, अर्थात एल एच एस में करना क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ना और एक बार वह एक बार घटाना, मतलब है इसको क्या करना है, एक बार तो जोड़ना है और एक बार गठा देना है, मतलब देखना है इसके अंतर्गत ने जोड़ना और गठन है, इसको ऐसा कैसा लिख लिया। ठीक है, अब एक बार तो क्या करना है, इसके अंतर्गत जोड़ देना है हमारे को, जोड़ दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस करना है, गठा देना है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यदि मैं आपको ऐसा ना बोल दूं 10 के अंतर्गत 10 में 5 को जोड़ना और माइनस करना है, जोड़ना और घटाना है, मतलब 5 को जोड़ना और घटाना है, तो देखना इसका मान आएगा कितना, 10 ही आएगा। मेरा बोलने का उद्देश्य ये है, इसको जोड़ने और घटाने से इसके अंतर्गत कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी, ठीक है, चेंजिंग नहीं होगी। अब देखते हैं इसको आगे हल करते हैं, यदि कोई भी फॉर्मूला ऐसा हो हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिखते हैं कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे मान लिया ए का मान हो गया कोस स्क्वायर, ठीक है, आगे स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है इस पे भी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हो गया क्या, बी का मान हो गया साइन स्क्वायर। आगे क्या है, लिख लिया, ठीक है, आगे संख्या प्लस है, प्लस लिख लिया 2 की जगह 2, एक का मान था क्या कोस था, यहाँ पे रख दिया कोस, बी का मान क्या था, ठीक है, साइन था, साइन रख दिया, मतलब है ये बन रहा है क्या, एक प्रकार से हमारे पास में फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखना है ए का मान तो क्या था हमारे पास में, कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का मान क्या था हमारे पास में, साइन स्क्वायर, आगे क्या इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया, लास्ट में हम बच रहा है क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, लिख दिया ऐसा कैसा। अब हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अबे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया,
ठीक है, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक हो गया। और ये मानिए हमारे को क्या करना था, ज्ञात करना था, ये मानिए हमारे को ज्ञात करना था। अतः LHS बराबर है RHS हो गया, LHS बराबर है RHS हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी है, उनके डाउट है कि यहाँ पे तो ठीक है, कि यहाँ पे तो साइन है बाद में आ रहा है, यहाँ पे आगे आ रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम संख्या को ऐसा लिख लो, चाहे हम संख्या को ऐसा लिख लो, मतलब है चार को आगे लिख लो या चार को पीछे लिख लो, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका आंसर भी कितना हो गया, ठीक है, चॉइस चॉइस हो जाएंगे ना दोनों के आंसर, हाँ आगे पीछे लिखने से कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, sec थीटा माइनस cos cot प्लस tan बराबर सिद्ध करना है tan इंटू sec, ठीक है। अब देखने इसके अंदर है LHS का मान है, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए RHS के मान के, ठीक है। अब देखना है LHS के अंदर हमारे को मान रखना है, ठीक है, रख देते हैं। अब देखते हैं पहले पहले आगे आ गई तो क्या है इसमें शेक है, ठीक है, शेक को लिख सकते हैं हम क्या, वन अपॉन कोस लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस लिख सकते हैं, क्योंकि शेक का विपरीत क्या होता है, कोस होता है, ठीक है, हाँ तो देखना है शेक की जगह तो लिख दिया हमने क्या, वन अपॉन कोस लिख दिया माइनस माइनस से, अब लिखना है कोस और वापस लिख दिया कोस, ठीक है, आगे क्या है, आगे कोट, अब देखते हैं कोट को लिख सकते हैं हम क्या, कोस बट्टा साइन, बताया था मैंने कोस बट्टा साइन, और लिख दिया यहाँ पे कोस बट्टा साइन प्लस प्लस टेन को लिख सकते हैं इसका विपरीत, टेन को लिख सकते हैं इसका विपरीत, मतलब है साइन बट्टा कोस लिख सकते हैं, साइन बट्टा कोस, लघुतम लेना है इनका, लघुतम देखते हैं नीचे वाली संख्या को गुणा कर लिया, कोस आ गया, एक को एक से गुणा किया, वन माइनस कोस को कोस से गुणा किया, कोशिश को है वज्र गुणा कर दिया यहाँ पे, हाँ आगे भी क्या लिया हमने लघुतम लिया और इसका मान क्या आ गया साइन और कोस, नीचे वाले हो गई गुणा, हाँ वज्र गुणा करना है, ठीक है, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर प्लस कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर, अब देखना है इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैंने बताया था साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है, एक होता है, ये देखना इधर आते किसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, मतलब वन माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर कोस, अब देखना है इसका मान होता है जितना एक होता है, आगे क्या है साइन और कोस, अब साइन से स्क्वायर कट गया, बचा गया हमारे पास में साइन अपॉन कोस, जो कि हमने अभी ने लिखा था साइन अपॉन कोस, मान होता है किसका, टेन का, लिख दिया, हाँ आगे यहाँ पे बच गया क्या, वन अपॉन कोस जिसको हमने लिख सकते हैं क्या सेक थीटा, और ये मान हमारे को सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध करना था, इक्वल आ रहा है ये मान,
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसमें। नेक्स्ट 14 नंबर है, देखना है 14 नंबर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर है 10 स्क्वायर अल्फा, सिद्ध करना है। अब देखना है एलएचएस इक्वल आरएचएस आना चाहिए, एलएचएस सॉल्व करते हैं, पहले लिख लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखना है, देखते हैं कोट को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 10, ठीक है, लिख सकते हैं कोट को, कोट को लिख दिया 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा तो अल्फा और माइनस 1, 1 के नीचे क्या मान लिया 1, लघुत्तम लेना है इनका, नीचे वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं, 10 स्क्वायर अल्फा 1 को 1 से गुणा किया, 1 10 स्क्वायर अल्फा को इससे गुणा किया 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या हमारे पास में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखते हैं आगे हल करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसा कैसे लिख लिया, ठीक है, अब गुणा हो जाएगा, मतलब बिन के नीचे बिना रहे, बिन के नीचे बिना रहे तो बिन एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी, उलट जाएगी मतलब गुणा तो हो जाएगी साथ में, नीचे वाली संख्या तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या तो नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर और साथ में गुणा और इससे कट जाएगी ये, और बच गया क्या हमारे पास में 10 स्क्वायर अल्फा, ये हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था, अर्थात LHS इक्वल है RHS आ गया। अब आगे आपके कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे को जरूर बताना। धन्यवाद।